नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हसल के बारे में। हसल जो कि MTV में आया था एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट शो रहा है। एक्चुअली मैं रैप सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ, लेकिन ये शो इतना ख़तरनाक बना कि मुझे रैप सॉन्ग सुनने पड़े और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्रेट था। तो हम आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि जजेस कैसे थे इसके, हम इसके कंटेस्टेंट कैसे थे और हर एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या क्या खास बातें थी, हम वो सारी बातें इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इंस्टाग्राम के कमेंट से। इंस्टाग्राम में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये फेक शो है और जजेस बहुत ज़्यादा फेक रिएक्शन दे रहे हैं, रफ्तार जजेस और सब के सब लोग फेक रिएक्शन दे रहे हैं एंड उसके साथ साथ ऑडियंस भी फेक है इसकी एंड इंस्टाग्राम में जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो सारे भी इनके खरीदे हुए हैं। तो ये सारी बातें कर रहे थे। तो मेरे भाई बता दूँ कि हर एक शो में ऐसी चीज़ें होती हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा, हर एक शो में इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी नौटंकी नहीं दिखाएगी लाइक इंडियन आइडल की तरह जिसमें चूतियों की तरह जिसमें छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं जजेस। तो इस तरह की बातें इस शो में बिल्कुल भी नहीं हुई, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें। एंड ऑडियंस जैसी भी थी, चाहे फेक थी चाहे नहीं थी भाई, वो होता है। और शो को अगर तुम्हें टीवी शो बनाना है तो डेफिनेटली ऑडियंस दिखानी पड़ती है अपनी, इसलिए वो चीज़ करना पड़ा उनको। तो देयर इज़ नो इश्यू मैन। उसके बाद एक बंदा था जो कि रफ्तार के बारे में बोल रहा था कि रफ्तार ने मेरे से इतने सारे सॉन्ग्स मांगे और उसके बाद रफ्तार ने मुझसे कहा कि अपने सॉन्ग्स और सॉन्ग दो, उसके बाद मैंने और दिए तो उसने रिजेक्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ कहता है। तो मेरे भाई उसको एक बार बता दूं कि मेरे भाई रफ्तार एक बहुत सही बंदा है और ये पूरा शो देख लो, हर एक बंदे ने एक से एक गाने निकाले हैं। हर हफ्ते हर बंदे को एक एक नया शो गाना था और इन कंटेस्टेंट ने जितने गाने निकाल दिए उतने गाने पूरे जजेज ने भी मुझे नहीं लगता कि निकाले होंगे, इसलिए इसमें सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा टफ था। और टीवी शो बनाने के लिए मेरे भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए रफ्तार ने इस तरह की बातें कही होंगी कि गाने सुनाओ, और हर एक गाना उनका लिखा हुआ खुद का नया गाना था। ये बहुत खास बातें थी मेरे भाई और बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे, और टीवी शोज की तरह जिसमें पुराने गाने गा देते हैं और फेक रिएक्शन देते हैं जजेस की, हो मैन बहुत अच्छा गाया तुमने, इस तरह की बातें इस हसल में नहीं हुई। एक नया शो था जो कि रैपर्स के लिए था, लेकिन खास रैपर्स के लिए था, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट रहा मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद जजेस कैसे थे इसके, जजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें रफ्तार की। रफ्तार एक्चुअल में नॉलेजेबल एंड ग्रेट जज था इसमें, जिसने करेक्ट आंसर दिए और हर एक बंदे को करेक्ट जज किया और बताता भी था कि तुमने क्या गलती की है। और रफ्तार एक्चुअल में एक दिल से भी बहुत अच्छा बंदा है, इसलिए रफ्तार की जजिंग सबसे बेस्ट थी। तो उस बंदे को मिलते हैं 10 में से 9 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं राजा कुमारी की। राजा कुमारी कभी भी अपने कमेंट्स में किसी को हर्ट नहीं करती थी और हर एक के बारे में पॉजिटिव कमेंट करती थी, क्योंकि हर एक शो में एक जज ऐसा होता है जो कि पॉजिटिव कमेंट करता ही है। तीसरा आता है न्यूक्लिया, और न्यूक्लिया में थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम लगा मुझे एंड उसकी जजिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड करता था एंड कमेंट भी बहुत ज़्यादा हर्टिंग करता था। किसी भी बंदे को हर्ट हो जाए वो सोचता नहीं था बिल्कुल भी, और ना रीज़न बताता था कि भाई तुमने गलती क्या की है। और उस बंदे को एक बार बहुत लोगों के कोरस भी पसंद नहीं आते थे, पसंद मतलब जैसे एक बंदा था उसका नाम किंग था भाई, किंग ने ए जानी वाला गाना गया, उसमें सलीम मर्चेंट था, सलीम मर्चेंट ने कहा भाई मुझे तो बहुत सही लगा तेरा सॉन्ग, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारा कोरस अच्छा नहीं लगा, ए जानी। और एक्चुअल में बताऊँ तो ए जानी वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, हर एक बंदा पूछ रहा है कि ए जानी वाला सॉन्ग सुना दे भाई, प्लीज़ सुना दे। इसलिए उस बंदे की तजीन थोड़ा सा हर्टिंग थी किसी बंदे के लिए, बंदा सही है वो लेकिन थोड़ा सा लगा मुझे हार्ड है। उसके बाद कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। इन कंटेस्टेंट के बारे में ओनली एक वर्ड है भाई, ऑसम मैन, क्योंकि इतने सारे गाने लिखना कोई मजाक की बात नहीं है यार। इतने सारे गाने जजेज ने पूरी लाइफ में नहीं निकाले होंगे जितने इन लोगों ने इस शो में निकाल दिए यार, जितने इन लोगों से गवा दिए उन लोगों ने, इतने गाने जजेज ने भी नहीं गाए होंगे, इसलिए सारे कंटेस्टेंट्स को ऑसम मैन। और सबसे पहला बंदा आता है कंटेस्टेंट में, उसका नाम है किंग, जो कि सबका फेवरेट है, एक्चुअल में मेरा तो फेवरेट है भाई, क्योंकि इस बंदे का हर एक सॉन्ग ऐसा था जो कि किसी भी बंदे को याद हो जाए। और इस बंदे ने जितने भी गाने गाए सारे के सारे गाने ऑसम थे यार, इसके कोरस से लेके इसका रैप सबका सब ऑसम था यार, और इसके गाने कोई भी बंदा समझ सकता है और इस बंदे को एनर्जी किंग माना जा सकता है। ये बंदा एक एनर्जी किंग था यार, बिल्कुल एनर्जी के साथ गाता था एंड इसके सारे गाने बहुत सही लगे मुझे। उसके बाद दूसरा बंदा जो कि सबका फेवरेट है वो है श्लोका, श्लोका मैन, शुद्ध हिंदी में गाने वाला श्लोका, और इस भाई का नाम ही काफ़ी है यार। ये बंदा ऐसा पहला बंदा है जो कि शुद्ध हिंदी में गाना गाता था, शुद्ध हिंदी, और बिहार का नाम रोशन कर दिया भाई ने। और इस भाई ने एक गाना गाया था तबले के साथ, उसका नाम था जिया हो जिहार के लाला,
जिया हो बिहार के लाला वाला, तो वाला गाना सबसे बेस्ट था जिसमें इसको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक भी मिला था। उसके बाद तीसरा बंदा आता है आरसीआर, और आरसीआर भाई की आवाज़ में दम था यार। आरसीआर की आवाज़ इतनी बेस्ट थी कि इसके बात करने को सुनने में ही मज़ा आता था यार, और इसका स्टाइल सबसे अलग था। और इस बंदे के बारे में सबको लगता था कि भाई इसको रैप नहीं आता होगा, लेकिन इस बंदे ने जब एक गाना गाया था जिसमें पापा वाला गाना था, उसमें एक रैप किया था जब इसने ना, भाई ऑसम मैन फास्ट रैप, उसमें इसने बेला को भी मात दे दी थी यार। चौथा बंदा आता है जिसकी सोच, भाई इस बंदे की सोच सबसे बेस्ट थी। उसका नाम था EPR, द मोस्ट नॉलेजेबल रैपर इन द शो EPR। सबसे ज़्यादा रैप की नॉलेज इस भाई की, और इस भाई की सोच सबसे ज़्यादा अलग थी। और ये बंदा बहुत सारे शो भी कर चुका है और बहुत सारे शो जीत भी चुका है ये बंदा, इसलिए EPR भाई के लिए नो कमेंट मैन, दिस गाय इज ऑसम। चौथा बंदा आता है MZ बेला, और बेला भाई के बारे में बात ही क्या करें यार। जिस बंदे को रैप की नॉलेज ना हो ना, जिस बंदे को रैप के बारे में नहीं पता है, वो इस बंदे को जज नहीं कर सकता, वो इस बंदे के बारे में बात नहीं कर सकता है भाई। और बेला के रैप को कोई टक्कर ही नहीं दे सकता यार। और जो बीट के साथ अपनी रैप करता था ये बहुत ऑसम था, बीट के साथ बीट मिला के बातें करता था ये बंदा। और इस बंदे की वॉइस और एक एक वर्ड क्लियर सुनाई देता था लोगों को, इसलिए लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई। और इसने एक भी गाने में, किसी भी गाने में कोई भी गलती नहीं की। और इस बंदे के जीतने का मेन कारण यही था कि ये बंदा बिल्कुल क्लियर वॉइस के साथ गाता था, बल्कि EPR की वॉइस उतनी खास नहीं थी। EPR की वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, उसके वर्ड्स बहुत बार लोगों को सुनाए समझ में नहीं आते हैं, इसलिए बेला के वर्ड्स एंड बहुत ज़्यादा बिल्कुल बीट के साथ बातें करके एंड उसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मस्त रहते थे, क्लियर और साफ सुनाई देते थे, इसलिए ये बंदा जीता है। उसके बाद आती है XZ भाई। XZ सबसे पहले तो बहुत के बाद इसके रैप भी बहुत अच्छे थे, और इसके सॉन्ग पे कभी कभी डिसीजन रॉन्ग लगे मुझे, क्योंकि इसके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ग्रेट होते थे और इसकी सोच भी बहुत अच्छी थी, एंड अपनी सोच एक्चुअली मुझे सही लगा इस बंदे की। उसके बाद अगला बंदा आता है जो कि है अपना पहाड़ी बॉय वाइड, जो कि अपने एरिया का है, अपने राज्य का है, उत्तराखंड का है, एंड सीधे पहाड़ से इसका ये गाना कोई भूल नहीं सकता है। और इस बंदे ने कभी भी अपने सॉन्ग्स में गलतियाँ नहीं की हैं, और इस बंदे को बहुत बार रॉन्ग डिसीजन मिला है जजेस से, बहुत बार, क्योंकि ये बंदा कभी भी गलतियाँ नहीं करता था। एक गाना लास्ट में गाया था इसने, और जिसमें कोरस भी बहुत अच्छा था, एंड उसके बारे में इन्होंने कहा था कि तुमने गाना अच्छा गाया। कौन था वो? न्यूक्लिया ने बोला था कि तुमने गाना अच्छा गाया था, लेकिन गलत टाइम पे चुना है मेरे भाई। तो अबे मेरे भाई, गाने में कोई गलती तो नहीं की ना, और ना ही इस बंदे ने कभी कोई वर्ड नहीं भूला अपने सॉन्ग्स में, इसलिए इस बंदे को बहुत बार रॉन्ग डिसीजन मिले हैं। एंड उसके बाद अगला बंदा आता है लक्ष्य भाई। में एक प्रॉब्लम थी इस बंदे में, एक बात है, ये बंदा अच्छा रैपर है, इस बंदे में टैलेंट है, लेकिन ये भाई थोड़ा बहुत शर्माता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है। इसके शक्ल देखोगे तो ये शर्माता है बहुत ज़्यादा, और लोग ही सोचता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, ये बहुत बार सोचता है ये चीज़ें, इसलिए ये बंदा गा नहीं पाता है। वरना इस बंदे में बहुत अच्छा टैलेंट है, और ये बंदा अच्छा गा सकता है, अच्छा रैपर बन सकता है, इसलिए ये अगर लोगों के बारे में ना सोचे ना, तो ये बहुत सही करेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे सिंगर्स आए थे वहाँ, अक्षय जैक में भी बहुत सही टैलेंट था बंदे में, वो बंदा भी कभी भी भूलता भी था तो उसके गाने में लगता ही था, लेकिन बहुत बार जजेज उसको, मतलब उसकी सॉन्ग सुनते ही उसको ज़्यादा भाव नहीं देते थे, आई डोंट नो क्यों नहीं देते थे, लेकिन उस बंदे के सॉन्ग सही लगे मुझे। इसके साथ साथ बहुत सारे सिंगर्स आए थे, लेकिन सब ने बहुत अच्छा इस शो को बनाया भाई। कुछ लोग ज़्यादा सही नहीं गा पाए, लेकिन ये शो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रेट था भाई। एक्चुअल में बहुत सारे लोग जो कि रैप सुनते भी नहीं है, जिसमें एक बंदा मैं भी हूँ, मुझे रैप सॉन्ग सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये शो मैंने पूरा का पूरा देखा भाई, और मज़ा आ गया भाई इस शो के लिए, ऑसम मैन, और मज़ा आ गया भाई। सो आज की वीडियो इतनी थी भाई, एंड आपको वीडियो कैसी लगी उसको छोड़ के अपने फेवरेट रैपर का नाम लिखना कि यार आपके अकॉर्डिंग कौन जीता। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई किंग जीता है, किंग में बात थी भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो किंग जीता है, जो कि बंदा कभी भी गलती नहीं की, एंड गलती के साथ साथ उसके सॉन्ग्स भी बहुत सही थे, एनर्जी बहुत सही थी, एंड रैप बहुत सही था, एंड हर एक रैप उसका याद है। किसको पता था, गोल्डीगर, आई डोंट नो, मतलब बहुत सही सिंगर थे, एंड उसके बाद जानी, बहुत सारे सॉन्ग्स थे। सो मुझे बहुत सही लगा भाई उस बंदे के, तो मेरे अकॉर्डिंग तो किंग जीता है, आपके अकॉर्डिंग कौन जीता प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताना।
और अपने अपने रैपर के लिए एक एक लाइक कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। भाई थैंक यू, इन्जॉय।